आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, इतते आए कुंवर कन्हैया, उतते राधा गोरी रे रसिया, उड़त गुलाल लाल भये बादल, मारत भर भर झारी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के गुडलक में। मैं हर रोज की तरह आपके समक्ष आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य कार्यक्रम आज के गुडलक को लेकर उपस्थित हूँ। आज होरी है और पूरे विश्व में इस रंगारंग त्योहार की आनंद सुबह से छा गई है, और होरी है ही ऐसा पर्व कि जिसमें सब लोग आनंद से नृत्य करते हैं। आज के दिन से भगवान ने जिस प्रकार से होली का आरंभ किया था, राधा जी ने जिस प्रकार से होली खेली थी, भगवान के समस्त भक्त भगवान के साथ मिलकर होली खेलते हैं। जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद पर की विजय हुई थी और होलिका का दहन हो गया था, और उससे आनंद में लोगों ने जो होली खेली, वो आनंद का पर्व है। आपके जीवन से कष्टों को दूर करने का पर्व है। आनंद विभोर होकर होली खेलें और जीवन के कष्टों को भुलाकर परमात्मा के अंतर्तम में अपने आप को समर्पित करने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से आज की होली के दिन आपका भाग्य क्या खेल खेलने वाला है आपके साथ, ये सारी बातें हम आपको आज के कार्यक्रम में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्यक्रम में आरंभ में आज के पंचांग की। मांबे करेंगे कल्याण, बात कर लेते हैं पंचांग की। फागुन का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, पूर्णिमा तिथि है सुबह सुबह, और थोड़ी दोपहर के आसपास करीब करीब प्रतिपदा आ जाएगी, और शुक्रवार का शुभ अवसर। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र है, गंड नाम का योग बना हुआ है, और चंद्रमा जो है वो कन्या राशि पर चल रहा है। शुभ मुहूर्त का समय भी नोट कर लीजिए, 12:11 से लेकर 12:58 का समय बड़ा शुभ रहेगा। कोई कार्य आरंभ करना है तो इस समय का लाभ ले सकते हैं। वहीं राहुकाल जो है 11:05 से लेकर 12:35 तक रहेगा। आज होली है, भगवान चैतन्य महाप्रभु की जयंती भी आज है, और साथ साथ सत्यव्रत भी आज रहेगा। आपके जीवन में कल्याण के निमित्त भारतीय संस्कृति सनातन पद्धति के अनुसार से होली एक बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये त्यौहार जो है बसंत ऋतु का आगमन दिखाता है। बसंत ऋतु की प्रकृति में जो रंग की छटा फैली होती है, और उसी को खेलकर, उसी रंगों को खेलकर बसंत उत्सव मनाने की जो सुंदर परंपरा भारतीय संस्कृति में मनाई गई है, आपके अंदर जीवन में आनंद को उत्पन्न करने का, हरियाणा राज्य के अंदर और विशेष तौर पर ब्रजमंडल में तो धुलेंडी के रूप से भी इसको जाना जाता है। होली से जुड़ी अनेक प्राचीन कथाएं हैं। रंगवली होने के कारण से राधा कृष्ण के पावन प्रेम के रूप में भी इस पर्व को याद किया जाता है। इस पावन पर्व को विशेष रूप से आनंद के साथ मनाया जाता है। कथानक के अनुसार से एक बार बाल गोपाल के रूप में भगवान कृष्ण माँ यशोदा से पूछा कि वह स्वयं राधा की तरह गोरे क्यों नहीं है, और माँ यशोदा ने मजाक कर उन्हें कहा कि राधा का चेहरे में रंग मलने से राधा जी का रंग कन्हैया की तरह हो जाएगा, तो यदि आप उन पर रंग मल देंगे ना तो उनका रंग भी इसी प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद कान्हा ने राधा और गोपियों के साथ मिलकर रंग की होली खोली। तब से रंगों के रूप में ये त्यौहार मनाने की परंपरा आरंभ हुई, और ये अनेक प्रकार की कथाएँ हैं, अनेक प्रकार के अनुष्ठान हैं जो वास्तु पूजन के साथ, होली के दिन के साथ विशेष तौर पर अपने वास्तु को सुधारने के लिए भी एक आप अद्भुत कार्य कर सकते हैं, अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं, अपने जीवन को अच्छा करा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार से होली के इस पावन पर्व पर कुछ विशेष उपाय कर लेने से घर में धन धान्य के अद्भुत वृद्धि का योग आप बना सकते हैं, और खुशियों का अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं। वो सारे आज उपाय हैं वो आज हम आपके समक्ष उपस्थित करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। पहले गुप्त मनोकामना पूर्ति के लिए कौन सा आज कार्य कर लेना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में अभी से एक स्वास्तिक बना लीजिए, अभी थोड़ा सा लेकर उसका शुद्ध स्वास्तिक निर्माण कर लीजिए। उसके बाद केंद्र में लोटे से एक जल भर के उस पर रख दें, और जल में थोड़ा सा गुलाल छिड़क दें। सायंकाल से पहले घर में खासतौर पर उस जल को फूल के द्वारा घर में उसको जो जल एकत्र हुआ है उसको उठाकर किसी पेड़ के अंदर उस पानी को डाल दीजिए, फूलदार पौधे में डालेंगे। अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए, अपने कष्टों को ध्यान करते हुए, तो कष्ट भी दूर होंगे, जीवन में कल्याण के अद्भुत योग भी बनेंगे। तो इस प्रकार से ये उपाय करिए, कल्याण के योग बनेंगे। मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा हम बताते हैं आपको आपकी राशि के अनुसार से, और साथ साथ ये भी बताएंगे आज कौन सा खास उपाय आपको कर लेना चाहिए आपकी राशि के अनुसार से, कौन सा मिठाई का भोग लगा देना चाहिए भगवान को, और कैसे भगवान को भी आज होली के रंग में आप रंग दें जिससे आपके जीवन में शुभ का आगमन हो जाए, आनंद प्रतिपादित हो जाए। तो जान लीजिए मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है, कौन से उपाय आपके लिए शुभ है। मांबे करेंगे कल्याण, मेष राशि वालों आज अच्छी सेहत के चलते आप किसी खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेते दिखाई दे रहे हैं। आज का समय आपका समय जो विशेष तौर पर ऊर्जा और दूसरों की जो खासतौर पर समय तो अच्छा है, ऊर्जा भी अच्छी है, तो दूसरों की मदद करने में आप अपनी ऊर्जा को लगाने का प्रयास कीजिए। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी ऐसे मामले में मत पड़िएगा जिससे आपको कोई लेना देना ना हो।
शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। एक काम करें, होली खेलते वक्त इस बात का ध्यान रखें, अपने सिर पर लाल रंग की टोपी लगा लीजिए, लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए, साथ साथ पीले रंग से होली खेलना आपके लिए आपके भाग्य को उदय करने वाला है। वहीं गुलाब जामुन और पकौड़ी का भोग भगवान को लगाइए और फिर परिवार के संग बैठकर आराम से स्वयं भी उसको ग्रहण करें। गेंदे के पुष्पों से भगवान को के साथ होली खेल लीजिए, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनेंगे। मामले करेंगे कल्याण मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज बहुत कुछ आपके कंधों पर टिका हुआ ऐसा योग बन रहा है और फैसला लेने के लिए स्पष्ट सोच जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं भी दुस्वाभाविक सोच मत रखिएगा। मित्रों के साथ बिताया गया समय आपके लिए विशेष तौर पर फायदेमंद साबित हो सकता है, आपकी ऊर्जा का स्तर भी अच्छा रहेगा, परंतु अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए है सुनहरा। और आपको होली खेलना कौन से रंग से अच्छा रहेगा हम आपको बताते हैं, हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर होली खेलिएगा, देखिए आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपकी दोस्ती बढ़ेगी। और नीले और केसरी रंग के साथ होली खेलेंगे ना तो किस्मत के सितारे आपके लिए बुलंद हो जाएंगे। शाही टुकड़े की एक मिठाई आती है, पिस्ते का दूध भी आपको मिल जाएगा, बना लीजिएगा, भगवान को उसका भोग लगाइए और फिर प्रसाद रूप में आप भी उसको बांटें और ग्रहण करें। सुगंधित पुष्पों से भगवान के साथ होली खेल लीजिए, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनेंगे। मामले करेंगे कल्याण, हम बात कर लेते हैं एक व्हाट्सअप के माध्यम से जो हमारे पास प्रश्न आ गया है। देखिए आज भी होली के दिन भी लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं। हजारीबाग से नैना सिंह जी का एक प्रश्न आया, उन्होंने लिखा है कि उनकी 7 साल का एक बच्चा है, बहुत जल्दी घबरा जाता है, उसके इसके कारण से उसके जीवन में और उसके कृत्यों में थोड़ा चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। इस हालत में कई दिनों से व्यवहार परिवर्तन दिखाई दे रहा है और क्या करना चाहिए, क्या अपनी दंपति उन्होंने साथ भेजी है। देखिए बच्चे के जीवन में यदि घबराहट है, एंजाइटी है और बहुत प्रकार इस प्रकार से इमोशन तनाव चल रहे हैं तो जल्दी से इस बच्चे की समस्या को ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक बात ध्यान रखें, बच्चों को काले रंग के गहरे रंग के कपड़े ना पहनाएं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग इस प्रकार से होते हैं और यदि काले और नीले रंग के कपड़े पहनाएंगे तो समस्या और बढ़ जाएगी। रंगों का बहुत प्रभाव होता है, सफ़ेद हल्के पीले गुलाबी रंग के वस्त्र बच्चे को पहनाने का प्रयास कीजिए, देखिए उसके अंदर मनोभाव में परिवर्तन आने के योग बनेंगे। इसके साथ साथ बच्चे की घबराहट धीरे धीरे समाप्त होने का इशारा भी आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ एक उपाय और करने का प्रयास करें, बच्चों को प्रतिदिन नहलाने के बाद आप बच्चे के साथ एक काम करें, गमले में जो घर में जो पानी है ना उसको थोड़ा पानी डलवा दिया कीजिए, गमलों के अंदर पौधों में पानी डलवाया कीजिए बच्चों के द्वारा, देखिएगा परिवर्तन आएगा। ये काम करने का प्रयास कीजिए, देखिए आपके जीवन में बच्चों के जीवन में परिवर्तन आप स्वयं ला सकते हैं। मामले करेंगे कल्याण, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। अकस्मातिक धन और आर्थिक तौर पे जो हालात है वो सुदृढ़ होती दिखाई दे रही है, यानी अकस्मात बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है। चुटकियों के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों से मदद आपको खासतौर पे जरूरत उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी मदद भी करने का प्रयास करना चाहिए, उनकी खासतौर पे जो जरूरत है उसके अनुसार से आप उनका ध्यान रखने का प्रयास करें। आज के लिए रोमांचक दिन दिखाई देता है और आपके प्रिय से संपर्क भी आपका होता दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा और शुभ रंग आपके लिए रहेगा भूरा। हरा और भूरे रंग के से रंग के खासतौर पर यदि कपड़ों का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए होली बहुत ही शुभ हो जाएगी। वहीं लाल और पीले रंग का रंगों का इस्तेमाल यदि आप करते हैं होली खेलते वक्त तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। होली खेलकर खासतौर पर नहाने के बाद बेसन के लड्डू और ठंडाई बनाकर भगवान को इसका भोग लगाइए, खुद भी ग्रहण करें और घर वालों को भी खिलाएं, और हो सके तो गुलाब के कनेर के पुष्प भगवान को समर्पित करें। देखिए भगवान के साथ आप खुशी करें, फूलों के साथ होली खेलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण के योग बने। मामले करेंगे कल्याण, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का समय ऐसा दिखाई देता है कि दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत होता दिखाई देता है। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी होती है ना, आज उनसे बातचीत करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है, उनसे संपर्क साधने का दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधित को खासतौर पर जो प्रेम संबंध है उनमें गोपनीयता बनाए रखने आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो कष्ट हो सकता है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, देखिए कोरोना कहीं गया नहीं है, कहीं छुपा बैठा है, आप सबको ध्यान रखना अपने स्वास्थ्य का। शुभ अंक आपके लिए 5 है और शुभ रंग आपके लिए गुलाबी रहेगा। एक काम करिए, उपाय के तौर पर बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होगा, गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर होली खेलिए, आपके लिए बहुत उपयुक्त है आज के दिन। और एक काम करें, सफ़ेद अबीर लेकर भगवान को खासतौर पर या शिवलिंग पर भगवान को भी समर्पित कर दीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। और भगवान को बर्फी का भोग लगाएं, दही भल्ले भगवान को समर्पित करें, फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। सफ़ेद चंपा के सुगंधित पुष्प लेकर भगवान को समर्पित कीजिए, सफ़ेद पुष्प भगवान को समर्पित करें, उनके साथ होली खेलें, कल्याण के योग बनेंगे। मामले करेंगे कल्याण, हम बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सअप मैसेज की जो हमारे पास आया है ग्वालियर से। शांति दीक्षित जी लिखती हैं कि उनके पति के जो है वो थोड़ा बीमार रहते हैं, लगातार बीमार रहते हैं, दवा उनको खास तौर पे छूटती ही नहीं है, नियमित तौर पे दवा लेने के बावजूद भी स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, उपाय जानना चाहती हैं, उनकी जन्मपत्री भेजी। देखिए हमने आपकी जन्मपत्री भेजी
अगर ये समस्या आपको लगातार चल रही है जो आपको ग्रह योग भी दिखाते हैं, तो उसके लिए दवा के सेवन के पश्चात भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहा है, जो आपने लिखा है वो ग्रह योग के कारण ही है। तो एक काम करें, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा किसी भी रविवार से लगातार 7 दिन तक गेहूं और बाजरे के आटे को मिलाकर एक रोटी अच्छे से बना लें, और जो बीमार व्यक्ति है उसके बिस्तर के बगल में एक पानी का लोटा भर के उसके साथ रख दें। अगले दिन व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर उल्टा घुमाइएगा, इस लोटे को जल लेकर किसी पौधे में डाल दीजिए तथा रोटी जो है वो गाय को खिला दीजिए। धीरे धीरे ये उपाय कुछ दिन करने का प्रयास कीजिए, देखिएगा सुधार होने के योग बनेंगे। और ये एक अद्भुत टोटका है, और साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर लीजिए। ओम हौं जुं स ओं भूर्भुवस्व ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव भू ओं सहजुं हौं ओं। इस मंत्र का यथोचित भाव से जप करें, ईश्वर कल्याण करें। मामे करेंगे कल्याण। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज बेकार की बातों में ऊर्जा जाया ना करें। देखिए आपकी एनर्जी बहुत है, लेकिन बेकार की बातों में उसको वेस्ट करने का प्रयास ना करें। दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशियों के पल बिताएं, बड़ा सुंदर पर्व है। अतिरिक्त काम करने की क्षमता आपके अंदर है, बिल्कुल लोग भी चौंक जाएंगे उस शक्ति को देखकर आज। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। देखिए होली है, कैसे आपकी किस्मत जागेगी हम आपको बताते हैं। नारंगी रंग संतरी रंग के वस्त्र धारण करें और टेसू के पुष्पों का रंग बनाकर उससे होली खेलिए। प्यारे मिल जाएंगे टेसू के पुष्प, उनको भिगो दीजिए और उनसे रंग पे होली खेलें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। नारंगी रंग से होली खेलना भी आपके लिए बड़ा शुभ दिखाई देता है। साथ साथ आज आटे के लड्डू बनाकर मालपुए बनाकर भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद ग्रहण करें, गरीब बच्चों में विशेष तौर पर बांटिएगा। खुशियाँ बांटने से ना बहुत आपके जीवन प्रसन्नता का उदय होता है, कल्याण के योग बनते हैं। मामे करेंगे कल्याण। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन दूसरों की कटुता जो खासतौर पर आप करेंगे तो वो आपको महंगी पड़ सकती है, किसी से ईर्ष्या भाव मत रखिए मन में। आर्थिक संकट दूर होने की आपकी किस्मत दिखाई दे रही रास्ता, एक तरफ का लगाव जो है ना, एक तरफ आप लोग इमोशनली हो जाते एक तरफ से, वो दिल तोड़ सकता है आपका, तो खासतौर पर सावधान रहेगा। आज समय का सदुपयोग करते हुए काम करें, होली खेलें आनंद के साथ। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। आपके लिए किस्मत जगाने वाला एक उपाय बता रहे हैं, उसको कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। हरे रंग के वस्त्र आपके लिए बहुत शुभ दिखाई देते हैं, होली खेलिए और हरे रंग के वस्त्र का जो टच हो ऐसे पहनकर, साथ साथ हरे रंग के गुलाल से आप मित्रों के साथ होली खेलिए, कल्याण के योग बनेंगे। भगवान को भी अब याद रखिएगा, दही खासतौर पर दही में हल्दी मिलाकर भगवान के साथ होली खेलें, साथ साथ चूरमे के लड्डुओं का भगवान को भोग लगाएं और सुगंधित पुष्प भगवान को समर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। व्हाट्सएप के माध्यम से एक और प्रश्न आ गया, उस बारे में बात कर लेते हैं। फरीदाबाद से रुचि जैन जी का एक मैसेज है, जिन्होंने लिखा है कि जिन लोगों के बाएं कान पर तिल हो उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और समुद्र शास्त्र के अनुसार से ये बड़ा सुंदर प्रश्न भी है, लोगों के लाभ का है। जिन लोगों के बाएं कान पर कोई तिल का निशान बना हुआ हो ये शुभ नहीं माना जाता है, भाग्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर भाग्य का दृष्टिकोण है ये। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी लोगों को सफलता मिलने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और जितना काम करेंगे ना तो सफलता उसके अनुरूप नहीं मिलती है। तो कैसे मिलेगी आपको, क्या करना चाहिए इसके लिए आपको? खास तौर पर आप समझ लीजिए थोड़ी मेहनत कम मिलेगी तो आप परसेंटेज ऑफ जो मेहनत है वो बढ़ा दीजिए। सफलता कम मिल रही है ना तो 10% करते हैं तो 30% करना शुरू कर दीजिए मेहनत, आपकी अपने आप जो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। थोड़े आलसी स्वभाव के भी होते हैं तो आपको लगातार प्रोवोक करना पड़ेगा ऐसे लोगों को, और टहलने की प्रवृत्ति जो है बहुत ज़्यादा टालने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों की आकांक्षाएं भी बहुत कम होती हैं और असफलता मिलने के लिए भाग्य कोसने वाले लोग होते हैं। तो कोशिश करें, थोड़ा प्रवोक कीजिए बचपन से तो ये कल्याण के योग बनेंगे। मामे करेंगे कल्याण। होली के दिन कैसे आप अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं? देखिए हमारे यहाँ ये जितने भी उत्सव है ना एक सिद्ध मुहूर्त है। यदि आपके व्यवसाय में लगातार गिरावट का ग्राफ जारी है तो होली के दिन पीले कपड़े, असल पीले कपड़े में एक पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए और काली हल्दी का टोपी मिल जाएगी, 11 गोमती चक्र चांदी का एक सिक्का लेने के साथ साथ 11 कौड़ियाँ बांधकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए, और होली की जहाँ जलाई थी ना उसके बाद वहाँ 11 परिक्रमा कर लीजिए। कोशिश कीजिएगा उस काम को करते वक्त पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा और सीधे घर में प्रवेश करने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखते हुए धन रखने के स्थान पर इस समस्त सामग्री को रख दीजिए, देखिएगा आपकी अलाएं बलाएं टलाएं सब जो है वो सब टलेंगी और व्यवसाय में प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। छोटा सा उपाय है, आज के शुद्ध मुहूर्त पर करने का प्रयास कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। होली के दिन आप एक काम और कर सकते हैं, पीले वस्त्र में काली हल्दी के साथ साथ एक चांदी का सिक्का रखकर धन रखने वाले स्थान पर उसको रख दीजिए और वर्ष भर महालक्ष्मी कृपा अद्भुत रूप से बन जाती है। ये उपाय जो मैंने पहले बताया इसके साथ साथ ये कर लीजिए, देखिए वर्ष भर आपकी समस्याएं दूर करने का अद्भुत रास्ता आपको प्राप्त होगा। यदि आपका व्यवसाय मशीन संबंधित है तो एक काम करें, आप काली हल्दी को पीस कर
केसर और थोड़ी गंगा जल को मिलाकर होली के दिन खासतौर पर मशीन पर एक स्वास्तिक बना दीजिए और वहाँ पर विशेष तौर पर गंगणपतये नमः मंत्र करते हुए इस को स्वास्तिक को बनाने का प्रयास करें। व्यवसाय के लिए बहुत शुभ होगा, परेशानी नहीं आएगी, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। होली के दिन जिस दिन से खासतौर पर रंग खेलते हैं उस दिन सुबह सुबह जल्दी स्नान करने के बाद और लाल गुलाल लेकर यदि आप घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति व चित्र पर उस गुलाल को खासतौर पर खुले पैकेट से एक चांदी का सिक्का रखकर और नए लाल रंग के कपड़े में कलावा बांधकर अपनी तिजोरी में उसे रखेंगे तो धन लाभ के योग बनेंगे, धन आने के अद्भुत आमद की स्थिति बन जाएगी। होली के दिन लोग एक दूसरे को विशेष तौर पर हित करने के लिए कुछ टोटके भी कर देते हैं, उससे भी आपको सावधान रहना चाहिए। इसके लिए सफ़ेद खदात खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, इसलिए होलिका दहन के वाले दिन विशेष तौर पे जो खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन यथासंभव नहीं करना चाहिए। बाहर कोई दे उनका सेवन नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कई बार कुछ खाने से कष्ट हो जाता है तो इसलिए आप अपने घर का खाइए, आनंद के साथ खाइए, कल्याण के योग बनेंगे। मांबे करेंगी कल्याण। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज आपकी परेशानियों से आपको ध्यान हटाने की जरूरत दिखाई देती है, आप कोई दिलचस्प काम करने का प्रयास कीजिए, अपने आप आपका दिमाग जो है जो आपका ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाएगा। परिवार के स्नेह से आपको आनंद प्राप्त होगा, प्रोत्साहन भी मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटी छोटी बातों के द्वारा ना आप अपनी एंजाइटी को बढ़ा सकते हैं। आप खोने के प्रयास मत कीजिएगा, शांत कंट्रोल करने का प्रयास करें। बेहतर कामकाज के चलते आपकी तारीफ आपको होती दिखाई दे रही है, चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद रहेगा। आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर होली खेलिए और बैंगनी और नारंगी रंग के खासतौर पर रंग का इस्तेमाल करते हुए होली खेलेंगे तो कल्याण युक्त अद्भुत योग बनेगा। इत्र के जल के द्वारा होली खेलिए, देखिए आपकी राष्ट्रीय संबंध रखता ही हो पाए, कल्याणकारी रहेगा। और गुलाल के साथ होली खेलेंगे तो और शुभ होगा। साथ साथ एक काम करें, चंद्रकला मिठाई आती है ना, राज कचौड़ी आती है, इन सब का भगवान को भोग लगाइए आपकी राशि के अनुसार से, बड़ा शुभ योग बनेगा। फिर परिवार के साथ मिलकर बैठ के उसको ग्रहण करें, चमेली के पुष्प भगवान को समर्पित करें, शुभ योग बनेगा। मांबे करेंगे कल्याण। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है हम आपको बताते हैं। वृश्चिक राशि वाले मंगल प्रधान राशि वाले होते हैं। मांबे करेंगे कल्याण। देखिए आपके लिए खासतौर लंबे समय से जो मायूसी चल रही थी, थकान चल रही थी, तनाव मिल रहा था ना, उससे आराम का दिन दिखाई देता है। शुभ है आपके लिए दिन, होली के लिए कल्याण के योग बनेंगे। आज का दिन सबके ध्यान के आप केंद्रित हो सकते हैं, ध्यान के केंद्र में रह सकते हैं, सफलता आपको खासतौर पर मिलने के योग दिखाई देते हैं। आपका पसंदीदा काम आप करते दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ मन को शांत प्राप्ति होती दिखाई दे रही, शांति मिलती दिखाई दे रही। शुभ अंक आपके लिए 7 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। आप होली में लाल रंग का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, लाल रंग के वस्त्र धारण करें और होली का भी खासतौर पर प्रयोग कर सकते हैं। लाल कनेर के पुष्प यदि मिल जाए तो वो भगवान को समर्पित करें, उससे होली खेलें भगवान के साथ, लाल कपड़े पहन के होली खेलें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम करें आप, भगवान को गुजिया का भोग लगाएं और विशेष तौर पर जरूरतमंद बच्चे जो है ना उनमें उसको वितरित कीजिए, खुद भी ग्रहण कीजिए, बच्चों का ध्यान करने से कल्याण के योग बनेंगे। मांबे करेंगे कल्याण। हम बात कर लेते हैं स्वप्न विज्ञान के बारे में। धनबाद से अंकित शर्मा जी का एक प्रश्न आया, उन्होंने सपने में आग बुझाते हुए देखा अपने आप को, क्या जानना चाहते, संकेत क्या है। देखिए सपने बड़े विचित्र होते हैं और उनका भाव भी बड़ा पवित्र होता है, उसके द्वारा समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने के योग है। सपने में यदि आग बुझाते हुए देखा है आपने तो ये शुभ संकेत नहीं है। आने वाले समय में कोई नकारात्मक घटना आपको परेशान कर सकती है, ये उसका इशारा है। आने वाले समय में खासतौर पे कुछ रिश्तों में खटास आने के योग बन सकते हैं, नज़दीक परिवार में कुछ तालमेल अच्छा नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। दूरियां मत बढ़ाइएगा, अपनी तरफ से उसको आग में घी मत डालिएगा, इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा कष्ट हो सकते हैं। तो ये सपना तो शुभ नहीं है, तो आप कर्म को शुभ करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए अच्छा ये है कि आप भगवान के मंदिर में जाकर देसी घी का दीपक वहाँ प्रज्वलित करें और क्षमा मांगे, और इस बात से हम यदि भगवती के निमित्त लाल पुष्प समर्पित करेंगे और पुष्पों के साथ भगवान भगवती का अभिषेक करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। ग्वालियर से अनिरुद्ध वाजपेयी जी का एक प्रश्न और आया है सपने विज्ञान के संबंध में भी। उन्होंने देखा कि जो खासतौर सोने के आभूषण है वो सपने में टूटते हुए दिखाई दिए, जानना चाहते संकेत क्या है। लेकिन सपने में सोने के आभूषण का टूटना है वो शुभ संकेत नहीं है, ये आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने का सूचक है। विपत्ति खासतौर पर कोई परेशान कर सकती है, विपत्ति आने का संकेत मिलता दिखाई दे रहा है। कोई नेगेटिव खासतौर पर बात आपके मन में आ सकती है, कारोबार में नुकसान होने का संकेत मिल सकता है, तो आपको खासतौर पर उपाय करना चाहिए। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय इस स्वप्न के अनुसार से दिखाई देता है कि गुरुवार के दिन नवग्रह मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु को पीले पुष्प समर्पित करें, पीली मिठाई समर्पित करें, हल्दी उनको समर्पित करें, देखिए कष्टों को दूर करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे।
ज्योतिषीय महत्ता के अनुसार से देखिए, ज्योतिष वो विज्ञान है कि जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाता है कि आपके लिए क्या शुभ है क्या शुभ नहीं है। तो ग्रहों की शुभता प्राप्त करने के लिए होली कैसे आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है वो हम ग्रहों की गणना के अनुसार से बताते हैं। होली को जब पर्व है जो है वो फूल के रंग गुलाल के रंग के साथ मनाया जाता है, आनंद के साथ मनाया जाता है। और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से नवग्रहों का नव खासतौर पर विशेष रंगों से संबंध रखता है। आपके ग्रहों की शुभता को बढ़ाने के लिए ये रंग विशेष तौर पर बड़े आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो लाल रंग जो है वो ज्योतिषीय आधार पर यदि देखें तो इस रंग का संबंध जो है भूमि भवन साहस पराक्रम, उसका स्वामी मंगल ग्रह संबंध रखता है। तो मंगल ग्रह को प्रसन्नता के लिए इस रंग का उपयोग कर सकते हैं। पीले रंग का जो इस्तेमाल है वो खासतौर पर अहिंसा प्रेम आनंद ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ये रंग सौंदर्य और आध्यात्मिक तेज को भी निखारता है और ये बृहस्पति का संबंध माना जाता है। गुरुदेव बृहस्पति का प्रसन्नता के निमित्त इस रंग से होली खेलने से आपके जीवन में कृपा बरसेगी। नारंगी रंग वही जो है ना विशेष तौर पे ज्ञान का ऊर्जा का शक्ति का प्रेम का और आनंद का प्रतीक माना जाता है। जीवन में प्रत्येक प्रयोग के मंगल के खासतौर पर बृहस्पति के साथ विशेष तौर पर इस ग्रह का संबंध रहता है। सूर्य के साथ भी असीम कृपा प्राप्त करने के निमित्त ये रंग संबंध रखता है। वहीं सफेद रंग की बात करें तो सफेद रंग जो है वो शांति का पावन का सादगी का प्रतीक माना जाता है। यह रंग विशेष तौर पर चंद्रमा और शुक्र की संबंध रहता है और शुक्र और चंद्रमा दोनों की शक्ति को बढ़ाने के लिए बड़ा आनंददायक होगा, लाभ देगा। वहीं नीला रंग जो है ना वो विशेष तौर पर साफ सुथरा शीतल ठंडा करुणामयी उच्च विचारों का प्रतीक माना जाता है। नीले रंग का प्रयोग जो है वो शनि की कृपा को बरकरार रखने के लिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शनि के संबंध में कहा जाता है नमः कृष्णाय नीलाय। वहीं हरा रंग बात करें तो जीवन में खुशहाली का समृद्धि का उत्कर्ष प्रेम दया का प्रतीक माना जाता है। प्रकृति का रंग माना जाता है, बुध ग्रह से संबंध रहता है। बुध ग्रह यदि अनुष्ट हो जाए तो उसको शक्ति को संपन्न करने के लिए बुध ग्रह का विशेष तौर पर संबंध रहता है। बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं। मामे करेंगे कल्याण धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन आपका धैर्य बनाए रखने का दिन दिखाई देता है क्योंकि आपके खासतौर पर समझदारी और प्रयासों से आपको सफलता मिलता दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी दिन खासतौर पर सफलता के लिए समझदारी का और प्रयास का खासतौर पर लगातार इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को अनदेखा करेंगे तो कुछ लोग आपके घर वाले जो है नाराज होते हैं। आज नाराज करने का दिन नहीं है। आज अतीत से जुड़े कोई शख्स जो है वो आपसे संपर्क करता दिखाई दे रहा है, आपके दिन को यादगार बना सकता है। तो दिन आपके लिए शुभ हो, मां अंबे का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। कैसे और शुभ कर वो भी बताते हैं आपको। आज होली के दिन पीले रंग के कपड़े पहनिएगा, हरे और गुलाबी रंग से होली खेलिएगा और साथ साथ बर्फी का भोग भगवान को लगाइए। गरीब कन्याओं में विशेष तौर पर ये बर्फी अवश्य बांटिएगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। कनेर के पुष्पों को भगवान को समर्पित कीजिएगा, आपके लिए होली बहुत शुभ होगी। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज दानशील का व्यवहार जो है ना आपके लिए वो छुपे हुए आशीर्वाद की तरह सिद्ध हो सकता है, इसलिए एक दान ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की खासतौर पर निजी समस्याओं में मदद करने का प्रयास कीजिएगा, उनसे आशीर्वाद आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आज किस्मत से खासतौर पर आपके लिए समय बहुत कीमती, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ योजना बनाने में बर्बाद मत कीजिएगा बल्कि उस पर आगे बढ़े कदम बढ़ाएं, ये सोचत नहीं खाली क्रियान्वयन भी करने का प्रयास करें, केवल सोच सोच में समय मत निकालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए बैंगनी है। और आपको कैसे शुभ बनाना है दिन उसका भी रहस्य हम आपको बता रहे हैं। बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर होली खेलिए, देखिए आपके लिए बहुत शुभ बनेगा। होली के अवसर पर आज के दिन हल्के रंग के बजाय गाढ़े रंग से होली खेलिएगा, वो आपके लिए विशेष तौर पर शुभ रहेगा। होली के दिन नहाने के बाद एक काम कीजिएगा, बेसन के लड्डू का भोग भगवान को लगाइए, परिवार समेत उसका प्रसाद ग्रहण करें। चंपा और मोंगरे के पुष्प भगवान को समर्पित करें, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मामे करेंगे कल्याण कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज समस्त व्यसनों से दूर रहने के लिए आपको काम करना है क्योंकि आपकी नींद में अन्यथा गलत कार्यों से खलल पड़ सकता है और फिर स्ट्रेस पड़ सकता है। आप गहरे आराम से महरूम हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देखिए आनंद का दिन है, बच्चों खासतौर पे आपके खासतौर पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी उम्मीद पे खरे उतरेंगे बच्चे, तो इसलिए आनंद के साथ उनके साथ होली खेलें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। होली पर नीले रंग के कपड़े पहने या फिर काले रंग के कपड़े पहनना भी आपके लिए शुभ दिखाई देता है। आपकी राशि के अनुसार से नीले रंग से होली खेलना, गोपी चंदन के साथ होली खेलना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और भगवान के लिए खासतौर पर आटे के लड्डुओं का भोग लगाइएगा, कल्याण के योग बनेंगे। अपराजिता के फूल आजकल खिल रहे हैं, कनेर के फूल भी खिल रहे हैं, वो भगवान को समर्पित कीजिए, आपको बहुत शुभ होगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। मामे करेंगे कल्याण मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज खेल कूद में खासतौर पर हिस्सा लेते दिखाई दे रहे हैं, तंदुरुस्त अपने आप को बनाए रखने का काम करने वाले हैं, परिवार का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आपकी आकर्षक जो आपकी जो खासतौर पर पर्सनालिटी है ना, जो आपकी ऐसी है आकर्षक तत्व जो ऐसा है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और दिल से लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, कल्याण के योग बनेंगे। शुभ अंक आपके लिए 4 रहेगा, केसरिया रंग आपको लाभ देगा।
केसरिया रंग के, पीले रंग के कपड़े पहनना आपके लिए बहुत शुभ होगा, होली के समस्त खेल में आनंद देगा और केसर के चंदन का खासतौर पर इस्तेमाल करते हुए होली के लिए बहुत शुभ होगा आपके लिए। दही में थोड़े सौंठ और के पताशे मिलाकर उनका खासतौर पर सब लोगों को वितरण करें, भगवान को भी भोग लगाएं और पीले रंग के कनेरों के पुष्प से होली खेलना आपके लिए बहुत शुभ हो। होली आपके लिए विशेष तौर पर बहुत बहुत शुभ हो। मांबे करेंगे कल्याण। होली पर एक आरोग्य मंत्र हम आपको देने वाले हैं और शास्त्रोक्त है और विशेष तौर पर हम हेल्दी टिप देते हैं ना, आज हम विशेष तौर पर आपके लिए आरोग्य मंत्र लेके आए हैं। होली के ऋतु परिवर्तन का पहला उत्सव है, खासतौर पर ऋतु परिवर्तन जब हो रही होती है, होली का जो पर्व है विशेष तौर पर पहला उत्सव माना जाता है और स्वास्थ्य को रखने के लिए बड़ा ही सुंदर उपाय भारतीय शास्त्र में पूजा पाठी ग्रंथों में विद्यमान है। आम के पेड़ों पर मंजरी आ रही होती है और उसको केवल तोड़कर अपने हाथ पे ऐसी रगड़ लेंगे ना, तो आज के दिन आपको खासतौर पर एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। एक काम कीजिएगा, आम की मंजरी को थोड़ा सा तोड़ लीजिए, उसमें शहद मिला लीजिए और उसको खासतौर पर भक्षण कीजिए। कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अद्भुत प्रकार से विकसित होगी और उसको खाली रब करके अपने चेहरे पे भी लगा लेंगे आम की मंजरी को, तो उससे आपके शरीर के अंदर एक बहुत बढ़िया योग बन जाएगा, आकर्षक शक्ति प्राप्त हो जाएगी और कोई बहुत सारे टॉक्सिन्स जो है वो अपने आप आपके शरीर से निकल जाएंगे। तो होली आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। आनंद के साथ होली मनाएं, भगवान के ध्यान करते हुए होली मनाएं, आपके लिए जीवन में कल्याण के योग बने। भगवान कृष्ण आप समस्त आप सबके जीवन में कल्याण का योग बनाएं। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, एक बार फिर आपके लिए होली बहुत बहुत शुभ हो। ओम गोविंदाय विद्महे गोपी वल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्।